जहाँ स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता है, वही लोग उसी मंदिर को कचरे का डिब्बा समझ रहे हैं। लोनी के एक प्राइमरी स्कूल में लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों पर खतरा बना रहता है और ना जाने कितनी बीमारियां पैदा होती है। वही स्कूल टीचर का कहना है कि ये बच्चों के लिए एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। पड़ोस के लोगों से शिकायत की है और अधिकारियों से भी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैं डॉक्टर मधु कुलश्रेष्ठ हूँ, यहाँ पर 2010 से आई हुई हूँ और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम तो असामाजिक तत्वों की है। क्या क्या क्या? दो बार बाउंड्री बनवाई, वो तोड़ के ईंटें रख लेते हैं, बाकी निकलना उसको रोड बिल्कुल बना रखा है, गंदगी डालते हैं, कूड़ा डालते हैं और बाकी नाइट शेल्टर की तरह यूज करते हैं इसको। सुबह हम आते, बच्चे आते तो गंदगी, मतलब ऐसी गंदगी जो बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए, वो भी हम लोगों को देखने को मिलती है। मरे हुए जानवर और बाकी ये मुर्गे वगैरह का वेस्ट, वो सब यहाँ डाल जाते हैं और सुबह फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर सीढ़ियों पे लैट्रिन, हर जगह हमें लैट्रिन बाथरूम मिलता है। मैम, किन आला अधिकारियों से शिकायत की? हम लोगों ने यहाँ के सभासद से बोला है, यहाँ के लोगों को बुला के बोला, काफ़ी अड़ोस पड़ोस के लोगों से बोला, लेकिन कोई भी किसी का नाम भी नहीं बताता, कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता और कुछ सुधार भी नहीं आ रहा उसमें। पीछे बहुत दलदल हो रहा है, बच्चों के लिए बहुत रिस्क है, अगर भूल से कोई बच्चा चला गया तो उस दलदल में फंस जाएगा। खतरा बच्चों के लिए, खतरा बच्चों के लिए बहुत खतरा है। और ये जो स्कूल में पानी भर रहा है, और बारिश में यहाँ 4-5 फुट के लगभग पानी भर जाता है और वैसे भी नाली का पानी आता रहता है। अब जो ये पानी आ रहा है कहाँ से? अभी भी ये पीछे से आ रहा है पानी, कॉलोनी का पानी इधर को आ रहा है और ये काफ़ी बढ़ जाता है। अभी 2-3 दिन से गर्मी तो थोड़ा कम हो गया है। लैट्रिन के रोशनदान में से ईंट फेंक के लैट्रिन तोड़ दी। इसमें किसी का नुकसान, जो पानी भरा हुआ है इससे? पानी से बच्चों का नुकसान है, बच्चे सुबह ड्रेस में आए थे वो पानी में गिर गए, फिर वो चेंज करके कलर्ड कपड़ों में आए हैं बच्चे, बाकी वो फ्रीली खेल भी नहीं पा रहे, खा भी नहीं पा रहे ढंग से, मतलब कुछ बेचारे नॉर्मल रह ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। कोई बच्चे बीमार? बच्चे बीमार हो रहे हैं। कितने बच्चे बीमार हैं? बच्चे 2-3 बच्चे बीमार हो गए हैं, तो अब उनके ट्रीटमेंट चल रहा, मेडिकल भी है एक दो बच्चों का, 10 के लगभग होंगे, लगभग टोटल मिला के 10 बच्चे बीमार हैं। और बाकी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि यही पानी फिर नल में चला जाता है, फिर वो नल का पानी पीने लायक नहीं रहता। अब बच्चों के लिए डेली हम बाहर से पानी भरवाते हैं। हाँ, दूषित हो गया पानी, इस पानी से जमीन के अंदर जाके पानी एक हो रहा है, पीने वाला पानी हो रही है। सर, हमारी तो शिकायतों का अंबार है, बिल्कुल पीछे हमारे जोहड़ है, उसका पानी सारा हमारे विद्यालय में आ जाता है। क्या नाम है विद्यालय का? विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय टाईपुरा लोनी। तो वहाँ से बरसात के मौसम में तो थोड़ा बहुत समाधान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अगल बगल सारे खड़ंजे बन गए हैं और हमारा विद्यालय जो है नीचे आ गया है, काफ़ी 4-5 फुट नीचे हो गया है, तो वो सारा पानी हमारे विद्यालय में आ जाता है, अगल बगल की गलियों का या नालियों का सारा हमारे स्कूल में आ जाता है। ये जो गंदा पानी आता है, इसके लिए कोई रोकथाम? सर, पड़ोस में शिकायत करते हैं, ज़्यादातर पड़ोसी लोग ही डालते हैं, क्योंकि पीछे गोबर डाल देते हैं, वो जोड़ का लेवल बढ़ जाता है, अब जैसे ही वो लेवल बढ़ता है वो वापस हमारे स्कूल में पानी आ जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, इससे हमारे टीचर्स को दिक्कत होती है, क्योंकि अब छोटे बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी छात्र संख्या पर इफेक्ट पड़ता है। ये तो सर कभी भी ज़्यादा आ जाता है, बरसात में तो कम से कम 3 महीने पानी भरा ही रहता है, लेकिन और टाइम पे भी जैसे जैसे जोड़ का लेवल बढ़ जाता है वैसे इसमें पानी फिर आ जाता है स्कूल में। अभी पिछले साल हमने दीवार भी कराई थी, पीछे अगल बगल के लोग दीवार भी तोड़ देते हैं और यहाँ पे अखाड़ा चलाते हैं सुबह के टाइम पे, या ना फिर आपत्तिजनक लोग आते हैं, आपत्तिजनक कार्य होते हैं यहाँ पे, हमें स्कूल में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सुबह सुबह आते हैं तो गंदगी के ढेर मिलते हैं हमें यहाँ पे। अखाड़ा कौन चला रहा है? अखाड़ा कोई डॉक्टर साहब है यहाँ पीछे, वो चलाते हैं। इसकी शिकायत की आपने प्रशासनिक अधिकारियों से? नहीं, हमने एक बार चौकी में तो बोला था और, लेकिन वो कहते हैं कि मैडम मैं देख रेख करूंगा, मैं विद्यालय का सुधार करवाऊंगा, पर सर वो भी कुछ नहीं कराते और हमने उन्हें मना कर दिया कि आप अखाड़ा मत चलाओ, तो ये बोलती है कि देखो मुझे कौन मना कर सकता है, ये तो उन्होंने बोला है हमें।